बिसमिल्लर रखमानी सोशल स्टडीज़ ग्रेड टू लेसन थ्री लिविंग टुगेदर मिलजुल कर रहना डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेसन वी विल नो डैट हाउ पीपल आर सिमिलर एंड डिफरेंट एंड आल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल सो वी शुड ट्रीट everyone equally and respectfully we will also learn important rules to live happily now let's start our reading underline the difficult words and write down their meanings key christians isai hindus six q कतार या लाइन रीड एंड शेयर इन अल्लाह इज विद दोज हु आर राइटस एंड दोज हु डू गुड एंड शेयर में बताया गया है कि बेशक अल्लाह ताला नेक लोगों के साथ है जो नेक काम करते हैं हाउ पीपल आर सिमिलर एंड डिफरेंट लोग कैसे एक जैसे और मुख्तलफ हैं इफ वी लुक एट पीपल अराउंड अस वी विल सी एवरी वन लुक्स डिफरेंट आईज नोजेज स्किन कलर एंड इवन क्लॉथ्स मेक पीपल डिफरेंट एवरी वन इज़ यूनिक मीनिंग लिखें मुनफरद या फिर अलग इन हिज हर ओन वे अगर हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें तो हम देखेंगे कि हर कोई मुख्तलिफ नजर आता है आँखें नाक और स्किन का कलर लोगों को एक दूसरे से मुख्तलि बनाता है इस तरह हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है Most of the Pakistanis are Muslims, Christians, Hindus and Sikhs also live in Pakistan. We are all humans. Meaning like, Insan We should treat everyone equally and respectfully. In this way we can live together happily. We should follow some rules to live. टुगेदर पाकिस्तान में ज्यादातर मुसलमान रहते हैं इसके अलावा ईसाई हिंदू और सिख भी पाकिस्तान में रहते हैं हम सब इंसान हैं हमें हर एक से इज्जत और इतराम से पेश आना चाहिए इस तरह हम खुशी से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं हमें मिलजुल कर रहने के लिए कुछ असूलों पर अमल करना चाहिए वो असूल क्या हैं ये हम नेक्स्ट पेज पर पे देखेंगे दीज आर सम ऑफ द रूल्स विच आयशा एंड सलमान फॉलो इन एवरीडे लाइफ आयशा और सलमान अपनी ज़िंदगी में इन असूलों पर अमल करते हैं टेकिंग टर्न मीन बारी का इंतज़ार करना आयशा टेक्स टर्न टू आंसर आ क्वेश्चन इन द क्लास रूम डू यू टेक टर्न्स इन योर क्लास रूम वाइल प्लेइंग इन आ प्ले ग्राउंड एंड रीडिंग बुक्स इन आ लाइब्रेरी वी शुड टेक टर्नस आयशा क्लास में सवाल का जवाब देने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करती है क्या आप भी क्लास में अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं खेल के मैदान में खेलते हुए और लाइब्रेरी में किताब पढ़ते हुए हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए वेटिंग इन क्यू मीनिंग लिखें कतार में इंतज़ार करना आयशा आलवेज वेट्स इन क्यू एट द स्कूल कैंटीन आ क्यू इज़ आ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न्स एट आ बस स्टॉप इन आ बैंक और एनी अदर पब्लिक प्लेस इन दिस वे दे कैन सेव देयर टाइम आयशा हमेशा हमेशा स्कूल की कंटीन पर एक कतार में इंतज़ार करती है एक कतार लोगों की एक लाइन होती है जो बस स्टॉप पर बैंक में या दूसरी अवामी जगहों पर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं इस तरीके से वो अपना टाइम बचा सकते हैं हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करना सलमान हेल्प अदर्स वायल इन स्कूल और एट होम वन वई सी सम वन इन ट्रबल मीनिंग लिखें मुसीबत वई शुड ट्राई टू हेल्प डैड पर्सन सलमान स्कूल में और घर पर दूसरों की मदद करता है जब हम किसी को मुसीबत में देखें तो हमें उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए वंस सलमान सा हिज फादर पुल मीनिंग लिखें खींचना ओवर विद आ फ्लैट टायर एंड सम हाउ ही वाज इन नीड ऑफ हेल्प ऑल दो ही वाज टू यंग टू हेल्प हिम ही ट्राइड एंड हेल्प हिज फादर टू पुश मीनिंग लिखें धकेलना एंड फिक्स द टायर एक दफा सलमान ने अपने अबू को एक टायर खींचते हुए देखा और उन्हें मदद की जरूरत थी अगरचे सलमान बहुत छोटा था उसने कोशिश की और टायर धकेलने में अपने अबू की मदद की प्यारे बच्चों इस सबक में हमने पढ़ा के सब इंसान बराबर हैं इसलिए हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए हमारे नबी सल वम ने भी बड़ों की इज़्ज़त करने और छोटों पर रहम करने का कहा है हमें खुशगवार जिंदगी गुजारने के जो उस बताए गए हैं उन पर अमल करना चाहिए नाउ कम टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर पार्ट ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको इनके नोट्स दे दिए जाएंगे वहाँ से आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में शीट्स पर लिख कर ये काम सबमिट करवाना है लेट्स कम टू द पार्ट बी राइट टी फॉर आ ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ़ फॉर आ फाल स्टेटमेंट ध्रुस्त जुमले के आप आगे, आगे आपने टी लिखना है और गलत के आगे आपने एफ़ लिखना है ठीक है? ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल सब इंसान बराबर हैं क्या है ये ट्रू लिखें टी नंबर टू टेकिंग टर्न्स डज नॉट हेल्प मच अपनी बारी पर इंतजार करना ये ज्यादा मददगार नहीं है क्या है ये फॉल्स गलत नंबर थ्री वेटिंग इन does नाट सेव टाइम क्या एक कतार में एक लाइन में इंतज़ार करने से टाइम नहीं बचता गलत है ये लिखें फॉल्स एफ लास्ट वी शुड नाट हेल्प अ पर्सन हु इज़ इन ट्रबल अगर कोई शख्स मुसीबत में हो हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए गलत फाल्स है ये हम लिखेंगे एफ प्यारे बच्चों इस पेज पे देखें डू यू नो में क्या बताया जा रहा है आ बस स्टॉप रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बैंक एंड हॉस्पिटल्स आर प्लेसिस वेयर वी शुड मेक आ क्यू के हमें बस स्टॉप रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बैंक और अस्पताल ऐसी जगह हैं जहाँ पे लाइन कतार बनानी चाहिए आई होप यू अंडरस्टैंड टू लेक्चर थैंक यू